हॉलीवुड सिल्वर स्क्रीन प्रेजेंटिंग टाइम ट्रैप। मूवी की शुरुआत में एक आर्कियोलॉजिस्ट को दिखाया जाता है जिसका नाम हॉपर होता है। हॉपर 1970 के दौरान लापता हुए लोगों जो फाउंटेन ऑफ यूथ की खोज करने निकले थे उनके बारे में रिसर्च करने के लिए एक जंगल में आता है। वहाँ उसको एक पुरानी बंद पड़ी बस दिखाई देती है जिसके अंदर एक पिक्चर, कुछ अजीब तस्वीरें और एक नक्शा होता है। वहाँ उसको एक खाई दिखाई देती है। फाउंटेन ऑफ यूथ का मतलब एक तालाब है जिसका पानी पीने से आपके अंदर चमत्कारी ताकतें आ सकती हैं और मरे हुए को जिंदा भी किया जा सकता है। हॉपर को पहाड़ी पर एक गुफा दिखाई देती है। उसका कुत्ता अजीब तरीके से भौंकने लगता है लेकिन वो उसे इग्नोर करता हुआ उस गुफा के अंदर चला जाता है। गुफा के अंदर उसको एक पुराना इंसान यानी कि पुराने जमाने की काउबॉय की आउटफिट पहने हुए एक आदमी दिखाई देता है जो बिल्कुल भी हिल नहीं रहा था। हॉपर उसके पास जाना चाहता था लेकिन उसको कुछ गड़बड़ महसूस होती है, इसीलिए वो कुछ गैजेट्स लाने के लिए वापस चला जाता है। यहाँ पर हम उसके टायलर और जैकी नाम के दो असिस्टेंट्स को देखते हैं। वो दोनों हॉपर से उसकी रिसर्च में शामिल होने के लिए कहते हैं लेकिन हॉपर उनको कहता है कि वहाँ जाने से तुम मुसीबत में पड़ सकते हो, तुम लोग मेरा यहीं पर इंतजार करना और अगर मैं वापस ना आऊं तो मेरी दी गई लोकेशन पर आ जाना। फिर वो अपने गैजेट्स और कुछ सामान लेकर उसी जगह पहुंच जाता है जहां उसने उसी काउबॉय को देखा था। हॉपर के साथ उसका डॉग भी यहां पर आता है जिसका नाम बॉस है। बॉस को इस जगह पर कुछ अजीब लग रहा था इसलिए वो भौंक भौंक कर हॉपर को वार्निंग दे रहा था लेकिन एज यूजुअल हॉपर उसको इग्नोर करते हुए फाउंटेन ऑफ यूथ की खोज में उस गुफा में चला जाता है। गुफा में काउबॉय अभी भी वहीं पर खड़ा हुआ था। जैसे ही वो उसके नजदीक जाने की कोशिश करता है तो उसको हवा में एक थिक मॉइस्चर वॉल फील होती है जो कि इनविजिबल है, जबकि इस पूरे रेगिस्तान में पानी की एक ड्रॉप मिलना भी मुश्किल है, तो उस दीवार में मॉइस्चर कैसे आया। जैसे जैसे हॉपर उस आदमी के नजदीक जाता है उसकी स्पीड बदलने लगती है और टाइम भी तेजी से बढ़ने लगता है। ये काउबॉय जो इतने समय से यहीं पर रुका हुआ था वो भी चलने लगता है। हॉपर उसका पीछा करता है लेकिन पत्थर से टकराकर वो गिर जाता है और देखता है कि गुफा के एंट्रेंस पर लाइट तेजी से कम ज्यादा हो रही थी। अब दो दिन बाद अगले सीन में टायलर और जैकी डिस्कस करते हैं कि दो दिन बीत गए हैं और अब हमको हॉपर को ढूंढने के लिए जाना चाहिए, लेकिन दिक्कत ये थी कि उन दोनों के पास पहाड़ों के लिए माउंटेन कार नहीं थी, इसीलिए टायलर अपनी गर्लफ्रेंड कियारा से मदद लेता है जिसके पास माउंटेन ट्रक होता है। लेकिन कियारा को अपने भाई बहन वीन और फेरबी को स्कूल प्रोजेक्ट के लिए ले जाना था लेकिन टायलर उनको भी अपने साथ लेकर उस बस तक पहुंच जाता है और घर पर बताते हैं कि हम माउंटेन ट्रैकिंग के लिए जा रहे हैं। वहां बस पर उनको वही किताब दिखाई देती है जो हॉपर ने भी देखी थी। इन सभी बच्चों के पास खुद के कैमरे, वॉकी टॉकी, शूटिंग वीडियो कैम और ट्रैकिंग का सारा सामान था। फिर सभी गुफा में जाने लगते हैं, तभी टायलर कहता है कि हम सभी एक साथ अंदर नहीं जाएंगे, हम में से कोई एक बाहर ही इंतजार करेगा क्योंकि अगर हम भी बाहर नहीं आए तो हमारी खबर पुलिस तक पहुंचनी चाहिए। फर्बी गुफा में जाने से डरता है इसलिए वो बाहर रुकने का फैसला करता है और बाकी लोग अंदर जाते हैं। ये लोग आगे चलकर मुसीबत में पड़ने वाले हैं क्योंकि ये गुफा वो गुफा नहीं है जिसमें हॉपर गया था। ये गुफा उससे बहुत ज्यादा डिफरेंट थी और साइज में बड़ी थी लेकिन ये आगे चलकर उसी गुफा से कनेक्ट होने वाली थी जिसमें हॉपर गया है। आगे चलने पर उन्हें एक बहुत बड़ी खाई नजर आती है जिस पर एक ऐसी रस्सी लटकी हुई है जो जगह जगह से कटी हुई थी। टायलर उनको कहता है कि हमें एक बार नीचे जाकर चेक करना चाहिए और अगर नीचे सब कुछ सही रहा तो तुम सब भी नीचे आ जाना। टायलर उस रस्सी के सहारे नीचे चला जाता है जहाँ पर उसको नीचे जाते हुए वही थिक मॉइस्चर वॉल महसूस होती है। कायरा ऊपर से टायलर पुकारती है लेकिन उसका कोई जवाब नहीं आता। फिर कायरा जब नीचे जाती है तो टायलर बताता है कि उसको कोई आवाज सुनाई ही नहीं दी। सभी नीचे आने के बाद इस खाई की छानबीन करते हैं लेकिन काफी देर ढूंढने के बाद उन्हें कुछ भी नहीं मिलता। अब वो दोबारा से उस रस्सी के सहारे ऊपर जाने का फैसला करते हैं लेकिन जैसे वो उस रस्सी से ऊपर जाते हैं वो रस्सी टूट जाती है जैसे कि वो पुरानी होकर कट गई हो, लेकिन उनकी रस्सी बिल्कुल नई थी, उन्हें तो सिर्फ आधा घंटा हुआ था। उनको लगता है कि फर्बी उनके साथ मजाक कर रहा है इसीलिए टायलर वॉकी टॉकी की हेल्प से फर्बी से कॉन्टेक्ट करने की कोशिश करते हैं लेकिन उसका कोई रिप्लाई नहीं आता। अब काफी कोशिश करने के बाद
उन्हें उसी गुफा के अंदर से सेम सिग्नल मिलने लगता है। टायलर सोचता है कि इस फ्रीक्वेंसी पर और कौन बात कर रहा है, इसलिए वो पूछता है कि तुम कौन हो। तभी सामने से फर्बी की रोते हुए आवाज आती है और वो कहता है कि मैं मुसीबत में हूँ, मेरी जान बचाओ। सभी उस सिग्नल को फॉलो करते हुए आगे जाते हैं, जहाँ पर उनको बाहर निकलने का एक रास्ता दिखाई देता है। वहाँ उन्हें हॉपर की तरह रोशनी अजीब तरीके से कम ज्यादा दिखाई देती है। आगे जाने पर उनको फर्बी की लाश मिलती है, जिसका सर कुचला हुआ था। वो सोचते हैं कि फर्बी, जिसे गुफा से बहुत डर लगता था, आखिर वो गुफा के अंदर क्यों आया होगा। तभी हॉपर को दिखाया जाता है, जो उस इंसान के गायब होने के कुछ मिनट बाद परेशान होकर वापस बाहर आता है। वो देखता है कि कई साल बीत चुके हैं। हॉपर जब अंदर गया था तो दिन था, और कुछ ही मिनटों में जब वो बाहर आया तो रात हो चुकी थी। गुफा के बाहर उसकी गाड़ी और बस के साथ एक माउंटेन ट्रक भी खड़ा है, जिसकी तलाशी लेने पर उसको एक बैग मिलता है जो कि जैकी का था। सभी जगह बहुत ज्यादा हरियाली थी और उनकी कारों पर जंग लग चुका था। उनकी कारें पूरी तरह से पेड़ पौधों से ढक चुकी थी। इसका मतलब हॉपर उस काउबॉय की तलाश में जब अंदर गया और बाहर आया, इस बीच कई साल बीत चुके थे। हॉपर उस गुफा में वापस चला जाता है ताकि वो अपनी टाइमलाइन में फिर से वापस आ सके। हॉपर सबूत के लिए लाइट स्टिक को रास्ते में डालता रहता है, लेकिन एक स्टिक हवा में तैरने लगती है और जैसे ही हॉपर उसको छूता है तो वो नीचे गिर जाती है। अब यहाँ पर सीन शिफ्ट होता है और हम टायलर को देखते हैं। वो फर्बी का रिकॉर्डेड वीडियो देखता है, जिसे देखकर सभी कंफ्यूज हो जाते हैं, क्योंकि फर्बी के अनुसार उन्हें गुफा के अंदर गए कई दिन बीत चुके थे। उसने गाड़ी में अपनी रात बिताई और वहीं पर खाना खाया। आखिर में भूखा प्यासा फर्बी उनको ढूंढने के लिए अंदर जाता है, जहाँ पर उसको एक खाई मिलती है जिसे हॉपर ने शुरुआत में देखा था। नीचे उतरते समय उसे भी लाइट कम ज्यादा दिखाई देती है और उसकी भी रस्सी अचानक से टूट जाती है, फिर वो नीचे गिर जाता है। अब आगे वीडियो को देखने के बाद टायलर को पता चलता है कि जब उसने फर्बी से कांटेक्ट करने की कोशिश की थी तो वो वहीं पर पड़ा हुआ था और हेल्प के लिए पुकार रहा था। उसी वीडियो में फर्बी को हॉपर की गाड़ी के अलावा उसके डैड की जर्नल मिलती है, जिसमें फाउंटेन ऑफ यूथ की हिस्ट्री के बारे में लिखा होता है। फाउंटेन ऑफ यूथ का पानी कोई भी घाव भर सकता है और मरे हुए को जिंदा कर सकता है। उसमें लिखा था कि ये गुफा कोई आम गुफा नहीं है, ये टाइम ट्रैप है। यहाँ पर हर जगह थिक मॉइस्चर वॉल है, जिन्हें पार करने पर समय अलग अलग गति से चलने लगेगा। इस फाउंटेन की खोज में कई साल पहले स्पेन की रानी ने अपने सिपाहियों को भेजा था ताकि वो अपने बीमार पति को ठीक कर सके, लेकिन वो सिपाही कभी वापस ही नहीं लौटे। वीडियो के एंड में उन्हें सबसे बड़ा झटका तब लगता है जब वो देखते हैं कि फर्बी के रेडियो की आवाज से एक अजीब इंसान सचेत हो जाता है और उसको बेरहमी से मार देता है। फिर सभी बाहर निकलने का रास्ता खोजने लगते हैं। उन्हें ऊपर से रोशनी नजर आती है। कियारा कहती है कि अगर मैं कैसे भी करके ऊपर पहुंच जाऊं तो रस्सी फेंककर तुमको बचा सकती हूं। फिर कियारा हाथों की मदद से चढ़ाई करती है। बाहर निकलने पर उसे अपनी आंखों पर विश्वास ही नहीं होता, क्योंकि बाहर हर जगह पर बंजर जमीन थी और हवा इतनी खराब थी कि ऑक्सीजन की कमी से उसे सांस लेने में तकलीफ हो रही थी। वहाँ सैंड स्टॉर्म भी आ रहा था। उसे बाहर सैटेलाइट सिग्नल नहीं मिलता, लेकिन उसको बादलों के बीच में एक स्ट्रेंज स्पेसशिप दिखाई देता है, जिससे डरकर वो वापस लौट आती है। उसके दोस्त कहते हैं कि तुम कुछ ही सेकंड से वापस आ गई, जबकि रियलिटी में वो बहुत समय के लिए बाहर रुकी थी। कियारा कहती है कि ऊपर सब कुछ खत्म हो चुका है, चारों तरफ रेगिस्तान है, लेकिन उसके दोस्तों को उस पर विश्वास ही नहीं होता। इसलिए कियारा उनको वो वीडियो दिखाती है जो उसने वहाँ पर रिकॉर्ड की थी, जिसको देखने के बाद उसके दोस्त हैरान हो जाते हैं, क्योंकि उन दोनों ने ही वीडियो रिकॉर्डिंग एक साथ स्टार्ट की थी, लेकिन कियारा की वीडियो बहुत लंबी थी जबकि उनकी वीडियो एक सेकंड की थी। कियारा उनको बताती है कि हम एक ऐसे टाइम ट्रैप में फंस चुके हैं जहां इस गुफा में टाइम बहुत ही ज्यादा जल्दी निकल रहा है। फिर सभी फर्बी का रिकॉर्डेड वीडियो दोबारा देखते हैं। उसको देखकर लग रहा था कि शायद सुबह से शाम हो रही है, लेकिन ध्यान से देखने पर उनको पता चलता है कि ये दिन नहीं बल्कि पूरा का पूरा सीजन ही चेंज हो रहा है, जैसे समर और विंटर। इसका मतलब है कि वो यहाँ पर बहुत सालों से फंसे हुए हैं। अब वो देखते हैं कि जिस इंसान ने फर्बी का सर फोड़ा था वो आदि मानव था और बहुत से आदि मानव उनके पीछे पड़े थे। तभी उन्हें ऊपर से एक रोशनी दिखाई देती है, जिसमें सीढ़ियों की मदद से कोई नीचे आ रहा था, लेकिन उन सीढ़ियों का साइज बहुत ज्यादा बड़ा था। ऐसा लग रहा था जैसे कोई मॉन्स्टर आ रहा हो। एक एलियन जैसा शख्स वहाँ आता है,
जिसने हाईटेक सूट पहना हुआ था, जिसको देखकर सभी भागने लगते हैं। आगे जाने पर उनको हॉपर के माता पिता की लाश मिलती है, जो कि फाउंटेन ऑफ यूथ की खोज में यहाँ पर आए थे और इन्हें कुछ देर पहले ही आदि मानव ने ही मारा था। हॉपर के पेरेंट्स को गुफा में कई साल बीत गए थे, लेकिन गुफा के अंदर आए हुए उन्हें कुछ ही समय हुआ था। टायलर आदि मानव से लड़ता हुआ मारा जाता है। वो एलियन टेस्ट ट्यूब में एक झील से पानी भरकर ले जा रहा होता है कि तभी वो कियारा को टायलर के लिए रोते हुए देखता है। वो टायलर को उसी झील में डुबाने की कोशिश करता है। पहले कियारा को लगता है कि एलियन उसको मार रहा है, लेकिन बाद में उसको पता चलता है कि वो टायलर की मदद करने के लिए उसे फाउंटेन ऑफ यूथ के पानी में डुबा रहा है, जिससे वो जिंदा हो जाएगा। फिर थोड़ी देर में टायलर जिंदा हो जाता है और उसके सारे घाव भी भर जाते हैं। उन्हें विश्वास हो जाता है कि फाउंटेन ऑफ यूथ रियल में एग्जिस्ट करता है। तभी आदि मानव उस एलियन पर हमला कर देता है। आदि मानव के साथ उसकी फैमिली भी थी, जिन्होंने इस एलियन पर हमला कर दिया। इस एलियन के पास काफी हाई टेक्नोलॉजी वाले गैजेट्स होते हैं, जिनकी हेल्प से ये किसी को भी ट्रैप करके जमीन पर गिरा सकता है और उसको बेहोशी वाली गैस से शांत कर सकता है। लेकिन जब ये एलियन एक आदि मानव से फाइट कर रहा था, तो पीछे से एक आदि मानव ने आकर उसके हेलमेट पर अटैक कर दिया, जिससे उसका हेलमेट निकल जाता है, जिसकी वजह से उसकी ऑक्सीजन खत्म होने लगती है। टायलर और कियारा को पता चलता है कि ये भी हमारी तरह एक इंसान है और ये फ्यूचर से आया है, जहाँ पर इंसान इवोल्यूशन के कारण बहुत लंबे हो चुके हैं और ये आज के वातावरण में सांस नहीं ले सकते। एलियन कैसे भी करके आदि मानव को चाकू से चोट देकर बच जाता है। कियारा उससे पूछती है कि तुम कौन से समय से आए हो। वो उसका चेहरा स्कैन करके उसकी न्यूज दिखाता है, जो उसके गायब होने के बाद आई थी। वो बताता है कि धरती रहने के लायक नहीं बची है, इसलिए सभी लोग एक स्पेसशिप पर रहते हैं, जिसका नाम आर्क है। अंत में वो एलियन भी मारा जाता है। सभी बाहर निकलने का फैसला करते हैं, तभी उनको हॉपर का बैग मिलता है। टायलर हॉपर को ढूंढने की कोशिश करता है, जहाँ पर गुफा में आगे जाने पर टायलर को हॉपर मिल जाता है, जो आदि मानव से लड़ने के कारण बहुत बुरी तरह से घायल हो चुका था। हॉपर बताता है कि मेरी फैमिली फाउंटेन ऑफ यूथ की तलाश में यहाँ पर आकर फंस गई है और उन्हें ढूंढने के लिए मैं यहाँ पर आया था। अब टायलर को आगे फाउंटेन ऑफ यूथ मिलता है, जिसमें कई लोग जैसे आदि मानव, सभी टाइमलाइन के लोग, स्पेन की रानी के भेजे गए सिपाही और हॉपर के सिस्टर भी ट्रैप हुई दिखाई देती है। फाउंटेन के पास का एरिया बहुत ही धीमी गति से चल रहा है, इसलिए हॉपर की सिस्टर अब भी उतने ही उम्र की दिखाई देती है। इस फाउंटेन की तलाश में कई लोगों ने अपनी लाइफ तबाह कर दी। इसी फाउंटेन के कारण जगह जगह पर मॉइस्चर की दीवार थी और आप फाउंटेन के जितने करीब होंगे, टाइम उतने ही धीमी गति से चलेगा। वहीं दूसरी ओर कियारा और जैकी उसी एलियन की सीढ़ियों का इस्तेमाल करके बाहर निकलने की कोशिश करते हैं, लेकिन अब गुफा की बाहरी सतह पर पानी आ जाता है। फिर भी कियारा आगे बढ़ती है, लेकिन अचानक से उसे एलियन जैसा हाथ पानी से उसकी तरफ आते हुए दिखाई देता है। वो आदि मानव उस इलेक्ट्रिकल सीढ़ी के बटन को दबाकर बंद कर देता है, जिससे सीढ़ी पर चढ़े हुए सभी लोग नीचे गिर जाते हैं, लेकिन कियारा को एलियन अपनी तरफ खींच लेता है। कियारा को समझ आ जाता है कि वो एलियन उसकी मदद करने की कोशिश कर रहे हैं। गुफा के बाहर से टायलर और सभी टाइम के अंतर के कारण धीमे गिरते हुए दिखाई देते हैं। तभी कियारा आकर केबल्स की मदद से इन सभी को खींच लेती है। उसने हॉपर और उसकी फैमिली को भी बचा लिया। होश आने पर फर्बी, हॉपर की फैमिली और बाकी सब खुद को फाउंटेन ऑफ यूथ के पानी में पाते हैं, जिससे उनके सारे घाव भर जाते हैं, जिसके बाद ये सब अपने आप को एलियन से घिरे स्पेसशिप में पाते हैं और देखते हैं कि ये स्पेसशिप पृथ्वी जैसे दिखने वाले किसी प्लैनेट की ओर बढ़ रहा है। अब इनकी लाइफ की नई शुरुआत होने वाली है, जिसके साथ ये फिल्म यहाँ पर खत्म हो जाती है। हम उम्मीद करते हैं कि टाइम ट्रैप की कहानी आपको पसंद आई होगी। हमने बहुत ही इजी वे में इस कॉम्प्लिकेटेड कहानी को समझाने की कोशिश करी है। आई होप ये आपको समझ आई होगी, और अगर आपको ये अच्छी लगी हो तो प्लीज इस पर लाइक और कमेंट जरूर करें। क्योंकि फिलहाल तो आज के वीडियो में बस इतना ही, लेकिन हम फिर से जरूर मिलेंगे, और वो भी एक और नई इंटरेस्टिंग कहानी के साथ। लेकिन तब तक के लिए धन्यवाद।